हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग एंड फन। जी देखिए दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बर्गर की रेसिपी, बर्गर आलू टिक्की की रेसिपी। ये देखिए, 5 से 6 आलू ले लीजिए, मुझे 7 से 8 टिक्कियाँ बनानी हैं, 6 से 7। तो मैंने ये 7 आलू लिए हैं पूरे, आप जितने बनाना चाहें उतने ले जा सकते हैं कि कितने लोग हैं। और इन्हें कद्दूकस करना है हमें। ये देखिए, इस वाले हमें कद्दूकस से, इस वाले साइड से हमें ऐसे कद्दूकस करना है सारे अपने आलूओं को हल्के हाथ से। ये देखिए दोस्तों, हमारा आलू कितना अच्छा ग्रेट हो गया है। अब हमें इसमें अपने सूखे मसाले डालना है। 1.5 चम्मच मैंने डाला है धनिया, क्योंकि टिक्की ज़्यादा बनानी है। और 1 टीस्पून मैंने डाला है इसमें कश्मीरी लाल मिर्च, ये कम लगती है, बहुत तेज़ सी लगती है। 1/2 टीस्पून मैंने डाला हल्दी, और 1/2 टीस्पून मैंने डाला गरम मसाला, और 1 टीस्पून मैंने इसमें डाला है नमक। टेस्ट अकॉर्डिंग आप अपना नमक डाल सकते हैं। और इसमें मैंने डाला है हरा धनिया बारीक चॉप किया हुआ, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है दोस्तों। और हमें इसे अपने हैंड्स की मदद से मिक्स कर लेना है। ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, कितना अच्छा हमारा ये तैयार है। अगर आपको लगे कि आपका आलू गीला है तो हम इसमें ब्रेड क्रम्स भी डाल सकते हैं, इससे और अच्छा क्रिस्पीनेस आ जाता है और आपका जो आलू गीला है वो टाइट भी हो जाएगा थोड़ा। ये देखिए, ब्रेड क्रम्स डाल के, और फ्लेवर में भी कोई चेंज नहीं आता है, फ्लेवर सेम रहेगा। ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, हमारा आलू बहुत अच्छा भून चुका है। अब हमें अपने हैंड पे हल्का सा ऑयल लगा के इसको हमें बर्गर की टिक्की का शेप देना है, एक इस तरह। ये देखिए, ज़्यादा पतली ना करें टिक्की बर्गर में, तो आपको पता है मोटी टिक्की, जितनी मोटी टिक्की होती है उतना अच्छा लगता है, क्योंकि बंद इतना मोटा होता है बर्गर का, तो उसमें जितनी अच्छी हैवी टिक्की होगी आपका बर्गर उतना ही टेस्टी बनेगा। ये देखिए, इस तरह गोल हमें बंद, ज़्यादा बड़ा शेप का नहीं है, जितना बंद हो आपका उसमें हमें इस तरह गोल गोल टिक्कियाँ बना लेनी है। ये देखिए दोस्तों, हमारी टिक्की बन के तैयार है, इस तरह हमें शेप दे देना है। अब हमें एक गहरे बाउल में लेना है मैदा 2 से 3 चम्मच, ये कॉर्नफ्लावर है, और 2 से 3 चम्मच मैदा। इसका एक हमें स्मूथ पैटर तैयार करना है। ये देखिए, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमें एक स्मूथ सा बैटर इसमें तैयार करना है, इसके कोटिंग के लिए, ज़्यादा गाढ़ा नहीं। ये देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह का, बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं। ये हमारा तैयार है। और ये ब्रेड क्रम्स जो मैंने घर पे बनाए हैं, आप चाहें तो मार्केट से भी ला सकते हैं, पर घर पे भी बन जाते हैं, ऐसा नहीं है, मिक्सी पे। अब हमें इसमें एक, सबसे पहले हमें इसमें डालना है, और फिर हमको डालना है अपने ब्रेड क्रम्स में। यकीन मानिए, मैकडोनल्ड से भी टेस्टी बर्गर बनेगा। ये देखिए क्या कोटिंग कितनी अच्छी हुई है। ये देखिए, इस तरह दूसरा भी ले लिया मैंने। सबसे पहले हमें इसमें डालना है, फिर हमें अपने ब्रेड क्रम्स में डालना है, अच्छे से कोट करना है इसको, और फिर तेल हमने गर्म करने चढ़ा रखा है। ये देखिए, तेल गर्म करने रखा था, इसमें हमने तेज़ भी डाल दिया अपना, हमारे कितने अच्छे फ्राई हो रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, हमारी बर्गर टिक्की बन के तैयार है। आप यकीन मानिए, इतनी क्रिस्पी, ये देखिए क्या आवाज़ आ रही है इसमें से, बहुत क्रिस्पी बनी है, बहुत ही टेस्टी, यम्मी। ये देखिए, आप घर पे ज़रूर ट्राई करें। और मैं ये मार्केट के बन लाई थी, ये वाले बर्गर बन,
चलिए सेक, अब हम पैन पे बटर लगा के इनको सेक देते हैं, काट के, तलना वगैरह नहीं है कुछ। ये देखिए दोस्तों, हमें पैन पे इस तरह फ्राई करना है, सेकना है आई मीन। ये देखिए, ज़्यादा नहीं, हल्का हल्का सा सेकना है। ये देखिए, ये ज़्यादा हो गया थोड़ा सा। ये देखिए, बहुत ज़्यादा भी हमें नहीं सेकना है। और ये देखिए, मैंने ये सॉस घर पे तैयार करी है, बर्गर सॉस। आपके पास मेयोनीज होगी, थोड़ा मेयोनीज ले लीजिए, केचप ले लीजिए, और पास्ता, और जो वो आती है पिज्जा सॉस, एक चम्मच वो मैंने मिला के घर पे ही तैयार कर लिया है। अगर आपके पास नहीं है वो, तो आप इस तरह घर पे ही बना सकते हैं बर्गर सॉस। और ये देखिए, मैंने सैलेड काट के रखा है, टमाटर काट लीजिए पतला स्लाइस में, प्याज और खीरा, ये सब मैंने काट के रखा है। अब चलिए बनाते हैं हम। एक चम्मच हमको ये सॉस जो हमने तैयार किए घर पे ही, ये लगानी है एक तरफ। आप चाहे तो ग्रीन चटनी का भी यूज़ कर सकते हैं, पर मैंने नहीं करा, बच्चे नहीं खाते हैं ग्रीन चटनी, मैंने बच्चों के लिए बनाया। तो इस चक्कर में, अगर बड़े कोई बड़ों के लिए बना रहे हो तो आप ग्रीन चटनी का भी यूज़ कर सकते हैं, एक तरफ ग्रीन चटनी लगा दें। अच्छे से हमको ये करना है, बैठ के लगानी है अपनी बंद पे, और टिक्की रखनी है इस तरह। ये देखिए, ये देखिए, और सैलेड रखना है हमको, खीरा रखना है, टमाटर और एक खीरा और एक प्याज, और ऐसे ही हमें इस पे रखना है, एक टमाटर, एक प्याज और एक खीरा, ऐसे रख के इस तरह हमको फोल्ड कर लेना है। ये देखिए, ये देखिए, हमारा बनके तैयार है बर्गर। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही यमी एंड टेस्टी। ये देखिए, और क्रिस्पी तो इतना है, टिक्की मार्केट की टिक्की भी फेल है। ये देखिए, रेसिपी पसंद आई दोस्तों तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें। बहुत मेहनत लगती है एक रेसिपी बनाने में। ये देखिए, बाय बाय।